नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल अंबू मिश्रा पे आपका स्वागत है। मैं अंबेश मिश्रा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है महंगाई के तहत कि रसोई गैस के बढ़ते दाम से गड़बड़ा रहा है मध्यवर्गीय परिवारों का बजट। दोस्तों, रसोई गैस की कीमतों में इजाफा होते जाने से मध्यवर्गीय परिवारों की बजट गड़बड़ाने लगी है। साल भर में रसोई गैस सिलेंडर 327 रुपये महंगा हुआ है, जबकि पहले से मिल रही सब्सिडी साल दर साल कम होती जा रही है। अब मात्र 58 रुपये सब्सिडी मिल रही है। लोग कहने लगे हैं कि सरकार नामचर के लिए सब्सिडी दे रही है, इसे भी बंद कर देना चाहिए। पहले सरकार की सब्सिडी छोड़ने का मैसेज, अब तो स्वतः सब्सिडी धीरे धीरे खत्म करती जा रही है सरकार। रसोई गैस के अलावा खान पान की अन्य सामग्री में भी साल भर में अच्छी खासी तेजी आई है। इस कारण गरीब ही नहीं, मध्यवर्गीय परिजनों भी हैरान है। यहाँ बता दें, साल भर में पहले रसोई गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 756 रुपए लगते थे, जिसमें 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। इस प्रकार से लोग सिलेंडर 556 रुपए का पड़ रहा था। इस प्रकार लोगों को सिलेंडर 556 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन आज सिलेंडर रिफिल 941 रुपए की मिल रही है और 58 रुपए सब्सिडी मिल रही है, जिससे 883 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में जनता में काफ़ी हड़बड़ाहट है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। हम मिलते हैं आपसे नई खबर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।